Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कभी जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता रहे अनंत सिंह को राजद ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया है। पटना के बेउर जेल में बंद अनंत सिंह इस बार ललटियन छाप पर चुनाव लड़ेंगे। वह बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। 2015 का चुनाव अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और जीत दर्ज की थी। पिछले दिनों अनंत सिंह ने पेशी के दौरान मीडिया से कहा था कि इस बार मैं राजद के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करूंगा। मोकामा में अनंत सिंह का मुकाबला जदयू के उम्मीदवार राजीव लोचन सिंह से होगा। 2015 के विधानसभा चुनाव में मोकामा से 20 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। 15 लोग मैदान में थे जिनमें से 13 की जमानत तक जब्त हो गई थी। अनंत सिंह का मुकाबला जदयू के नीरज कुमार से था जिन्हें अनंत सिंह ने 18,348 वोट से हराया था। अनंत सिंह को 54,005 वोट मिले थे। 2005 फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते थे। उसी साल 8 महीने बाद 2000 विधानसभा का चुनाव दूसरी बार हुआ और उसमें भी अनंत सिंह जदयू के ही उम्मीदवार थे। उस वक्त मोकामा से वे जीते भी। यह सिलसिला 2010 के चुनाव में भी जारी रहा लेकिन बिखराव आया 2014 में जब लोकसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की दोस्ती हो चुकी थी। 2015 में बाढ़ के पुटुस हत्याकांड को लेकर लालू प्रसाद काफ़ी नाराज थे जिसका खामियाजा अनंत सिंह को भुगतना पड़ा था। इस केस में अनंत सिंह का नाम जुड़ा था, इस कारण उन्हें जदयू छोड़ना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। बावजूद इसके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2015 का भी चुनाव जीत गए, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे थे पहले से ही कि अनंत सिंह जो है RJD से चुनाव लड़ेंगे। और अब चुनाव की जब डेट शामिल हो गई है, सामने आ गई है, तो अब अनंत सिंह का खुलासा हो गया है कि वो यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने जो है जदयू के जो नए कोई कैंडिडेट हैं उनका नाम है राजीव लोचन सिंह, वो होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो है अनंत सिंह कितने वोटों से जीत पाते हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.